डीवीआर पर वाईफाई कैसे कनेक्ट करें। दोस्तों हमारे सीसीटीवी कैमरे की जो डीवीआर होती है, जहां पर हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग सेव होती है, उस पर वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अपने डीवीआर को ऑनलाइन करना चाहते हैं, हम अपने कैमरे को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे डीवीआर को ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है, नेटवर्क से जुड़ना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वाईफाई को डीवीआर से कनेक्ट करें कैसे, इंस्टॉल करें कैसे, यही चीज आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक डीवीआर को ऑनलाइन कैसे करते हैं, डीवीआर में वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेकर साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो DVR पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरीके के डिवाइस लेना पड़ेगा जिसका नाम है वाईफाई एडाप्टर। सेम ऐसा ही एडाप्टर कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम कंप्यूटर पे जो वाईफाई एडाप्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे DVR पे काम नहीं करता। DVR के लिए अलग से एडाप्टर आती है, वाईफाई एडाप्टर, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये 100-200 रुपए महंगी मिलती है, बट ये काफी परफेक्ट काम करती है DVR पे। तो एक DVR पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ये डिवाइस काफी अनिवार्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस डिवाइस के बगैर हम अपने DVR को ऑनलाइन नहीं कर सकते, वाईफाई कनेक्ट नहीं कर सकते। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाकर इसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस डिवाइस की सारी सेटिंग बता दूं कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इसे आपको ओपन करनी, इस प्रकार से मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद हमें एक एडाप्टर मिलती है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमें मिलती है एक एडाप्टर, और इस एडाप्टर को लगाना है आपको अपने DVR पर। ठीक है, देख सकते हैं, इसको अपने DVR पे लगा देना। इसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं मिलता, देख सकते हैं, ठीक, खाली है ये, इस साइड में करते हैं। अब चलिए इसे लगाते हैं फटाफट से DVR पर। तो यहाँ पर रखा है हमारे DVR, देख सकते हैं, जो कि CP+ कंपनी की है। तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर हमें मिल जाएगा USB का सॉकेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा USB। ठीक है, एक हमारा माउस पहले से लगा है और एक पुट अभी खाली। ठीक है, तो आपको इसे लगा देने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और ये लग चुकी, देख सकते हैं, ठीक है, ये लग चुकी है। एक हमारा माउस का है और एक हमारा हमने अभी जो डिवाइस लगाया है वाईफाई एडाप्टर इसका है। ठीक है, हमने लगा दिया। लगाने के बाद हम DVR को फिर से साइड में रख देते हैं इस प्रकार से। अब हम आते हैं स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर रखा है हमारा स्क्रीन, देख सकते हैं यहाँ पर दो कैमरा लगी है और यहाँ पर हमारा कैमरा भी दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको फटाफट से सेटिंग करके दिखा देता हूँ। तो वाईफाई डाटा को DVR में कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस पर राइट क्लिक करनी है, मेन मेनू पर आनी है, पर जो भी आपका पासवर्ड, आपको पासवर्ड डाल देनी। मैं फटाफट से यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब सिंपली आपको इंटर करके ओके करनी। ठीक, ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैमरा नेटवर्क इवेंट इंटेलिजेंस स्टोरेज डिस्प्ले, आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके में इस प्रकार से नीचे भी आपको दिखाई दे ऐसा लाइन से, मेरे में इधर ऐसा साइड में देखने को मिलता है। तो आपको नेटवर्क पर आनी है, इस तरह से नेटवर्क, नेटवर्क पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा वाईफाई। ठीक है, वाईफाई पर आपको क्लिक करनी है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके आसपास जितनी भी वाईफाई जो है ऑन रहेगी, जितना भी हॉटस्पॉट ऑन है, वो सब आपके DVR पे दिखाई देगा। हमें कुछ सेकंड वेट करते हैं अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक भी वाईफाई नहीं दिखा रही है। मैं फटाफट से अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, देख सकते हैं मेरे फोन है, यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन किया, नेटवर्क भी ऑन किया, देख सकते हैं हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं, आपको भी रिफ्रेश करनी है। इस तरह से मैं रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर आपको मेरा मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश किया हमने, कुछ सेकंड आपको वेट करनी है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेस्ट किंग संदीप आ चुका है। ठीक है, फुल नेटवर्क भी दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा वाईफाई तो आ गया, अब सिंपली कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे आपको मिलेगा कनेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, कनेक्ट, आपको कनेक्ट पर क्लिक करनी है। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करनी, फिर यह कनेक्ट नहीं होगा, हालांकि यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, और अगर आपके वाईफाई पर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा रहे तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अदरवाइज आपको यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, देख सकते हैं यहाँ पर नाम दिखा रहा है और यहाँ पर इसका पूरा मॉडल दिखा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देनी। ठीक है, मतलब आपके वाईफाई के जो पासवर्ड उसे आपको डाल दी, मैं यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब सिंपल आपको इंटर कर दे हैं और आपको ओके करनी। ठीक है, ओके, या फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के एक ही मतलब है, मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। चलिए कनेक्ट किया मैं। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करनी है और अब देखेंगे कि आपके DVR पे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ सेकंड वेट करते हैं और फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर IP एड्रेस भी दिखा रहा है, देख सकते हैं, मैं सिंपली ओके कर देता हूँ और बैक आते हैं। बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरे माउस के रुक, देखिए यहाँ पर आपको सिंपली जो वाईफाई का आइकन है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वाईफाई का आइकन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है और यही हमारा वाईफाई का आइकन है। इसका मतलब यह है कि हमारा DVR अभी ऑनलाइन हो चुका है, हमारे DVR पे वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। मैं फिर से आपको एक बार सेटिंग दिखा दूँ, आपको राइट क्लिक करनी है, मेन मेनू पर आनी है, नेटवर्क पर आनी है, फिर आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वाईफाई पर क्लिक करनी है या फिर आपके में इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है। ठीक से, तो आपको सिंपली वाईफाई पर क्लिक करनी है, वाईफाई पर। इसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश करनी है, इस तरह से नीचे में
रिफ्रेश जब आप करेंगे तो आपके आसपास जितने भी वाईफाई ऑन रहेंगी वो सारा वाईफाई यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे मेरे में एक ही दिखा रहा है, मेरे फोन का हॉटस्पॉट यहाँ पर टेस्ट किंग संदीप के नाम से है। इस पर मैं क्लिक किया तो सिंपली यहाँ पर मुझे पासवर्ड पूछा, जैसे इस पर मैं क्लिक किया कनेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, फिर आपको ओके कर देनी सिंपली है, फिर कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने DVR पर वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप चाहते कि आप अपने DVR को अपने कैमरे को मोबाइल फोन पर देख पाए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर DVR पर वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, DVR को ऑनलाइन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। तो इसी बात वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो पे नई टॉपिक के साथ।